हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन की आज आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज है। प्लेन पर फोकस करते हैं, उनका हंसा मुस्कुराता चेहरे याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। फिलहाल अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन बहुत ही जल्द कांटेक्ट होगा ज़रूर, या फिर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो चुका है। अगर बात नहीं हो रही है या कुछ है, जो गैप है ना वो काफ़ी हद तक भरते आ रहे वैसा लग रहा है। हालांकि ये खामोश है, ये खामोश है, और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खामोश है, बहुत ज़्यादा। इनको लाइक ना मन करता है तो वो दोस्तों में जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो भी सो कॉल्ड खुशी की बातें हैं, किसी ने कहा कि चलो मूवी देखने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे होते हुए भी वहाँ के नहीं हैं। स्ट्रांगली इनके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम एंड लीगल मैटर्स या प्रॉपर्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पे है या आने वाले हैं, बट ऑलरेडी फाइनेंसेस के मैटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आ भी चुके नहीं है ना, तो इनको अंदेशा है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और इन्हें नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को। ये पर्सन है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और ख़ास करके आपका साथ, आपकी कंपेनियनशिप वो ज़्यादा महसूस किए जा रही है, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस किए जा रहे हैं। लाइफ में इस कदर फेल्योर फील कर रहे हैं ना कि उनको बहुत हारा हुआ फेल्योर जैसे फीलिंग बहुत आ रही है। वी इनिशियल हो सकता है, स्ट्रांगली एम हो सकता है, लाइफ है ना रिसेंट टाइम में, आई थिंक लास्ट जनवरी या जून से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजरी है। मतलब पिछले कुछ सालों से नहीं होगी, बट इस जैन से स्टार्ट होने के बाद या फिर जून से जहाँ पे ये तो शनिदेव का साल जब से चालू हुआ है, और दूसरा चीज़ है जब शनिदेव वक्री हुए थे तब से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल है। पहले तो शायद छोटे मोटे थे तो इन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। इनकी जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक उदास रहने लगे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इनके पास सॉल्यूशन या सॉल्यूशन देने वाला वो आसपास कहीं नहीं है। इन्हें एहसास होने लगा है ना कि जो आसपास के लोग हैं ना, या तो जेन्युइन नहीं है, सच्चे नहीं है, या तो बस मतलब के लिए है, चाहे वो रिश्ते की नहीं हो। जब इनसे कुछ मिल रहा था, जब ये उनकी बातें सुन रहे थे या उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, उनके लिए किए जा रहे थे, तो वो सब चीज़ ठीक था, एक वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस तरह से वो पर्सन अभी आसपास के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले गए हैं, क्योंकि इन्हीं रिश्ता नातों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। यस, ये आपको नकारा था, आपको अपनाया नहीं था, ये जानकर ये बहुत ज़्यादा शॉक में है। और जिस कदर इनकी एनर्जी वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो बहुत ज़्यादा उनको झटका लगा है, कि जैसे इन्हें ऐसा लगा ना कि यही झटका आपने भी उनकी तरफ से फील किया, महसूस किया, और न जाने आपने वो सब चीज़ कैसे सहन की, अगेन बार बार फील हो रहा ना कि ये इंसान को बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा, मतलब जिस कदर इंसान आपको मिस कर रहा है, जिस कदर आपकी फ़ोटोज़ देखे जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है लिटरली आपके ऊपर जैसे स्पेलकास्ट बोलते हैं ना, जैसे कोई जादू कर रहा हो, वैसे एनर्जी है।
आपकी एनर्जी में लिटरली अचानक से एंग्जाइटी आ रही है, अचानक से इनके ख्याल आ रहे हैं, और बैठे बैठे ना अचानक से आंसू आ रहे हैं, या फिर एकदम ऐसी खुशी आ रही है कि जैसे किसी ने कुछ कहा हो, प्यार की बातें की हो, कोई तारीफ की है, ऐसे स्माइल भी आ जाती है, कोई स्पेशल चीज़ कही हो। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, वैसे वाली एनर्जी है। या फिर वो जो अपना गाना है कि क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने में मेरे, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये गाना ये सुनते हैं या इनकी एनर्जी में वैसे ही है। पॉसिबल है ये इंसान जब भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आपका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और इसलिए ना एक दूसरे के लिए जो क्रेविंग्स है ना बढ़ रही है, स्पेशली इनको आपके लिए क्रेविंग्स बढ़ रही है। एक वक्त था ना जो आप उनके लिए ना डेस्परेट हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, एकदम ही ज़्यादा परेशान, पागल जैसे हो गए थे, लिटरली पागल जैसे हो गए थे, लेकिन अभी ना आप में वो इंतज़ार है, आपको जिसने एक फील होता है कि पता नहीं क्या है लेकिन करना क्या है, आपको शायद पता नहीं है कि इंतज़ार करना है नहीं है, या फिर ये इंसान की एनर्जी फील होती है लेकिन इंसान का तो आता पता नहीं है, तो क्या सोचे क्या समझे कि ये सच में इंसान प्यार करता है, ये सच में हमें याद कर रहा है, वो चीज़ उनको फील होती है। बट ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये आखिर क्या चाहते हैं। ये आपकी तरफ है ना आके आपका दिल नहीं दुखाना चाहते वापस, क्योंकि इनका ना अभी कॉन्फिडेंस लेवल बेकार लेवल पे गिरा हुआ है, लेकिन ना उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। ये आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप सच्चे दिल वाले हो, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन इनको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वापस वही चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, बट ये ऐसा लग रहा है ना कि इनकी किस्मत ही ख़राब है, तो फिर क्या कर सकते हैं। ये अभी ना आपको दुख नहीं सुख देना चाहते, खुशियाँ देना चाहते, आपको गम नहीं देना चाहते। ये कितना भी सोच ले कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो होना चाहिए, बट समाव ना ये आपसे दूर होना बहुत मुश्किल लग रहा है। इन्हें नहीं पता ये आखिर ये कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे, कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे। कल तक था ऐसा ना कि जैसे आपसे शिकायतें थी, आप ऐसे है, ये है, कंप्लेनिंग नेचर है आपका, ऐसा है आप डोमिनेटिंग, मतलब आप भी दूसरों की तरह इसे सवाल जवाब, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते, थोड़ा पेशेंस नहीं कर रख सकते, समझ नहीं सकते, ये वो सारी बातें कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि आप तो अभी अचानक से खामोश हो गए हो, आपने बोलना एक्सपेक्ट करना सब छोड़ दिया है, लेकिन आपने अभी प्यार दिखाना भी तो छोड़ा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, या फिर वो मौका ही नहीं दे रहे, ब्लॉक करके बैठे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लेके बैठे हैं, तो क्या ही करें। आर इनिशियल हो सकता है इनका, और नंबर 2 और नंबर 8 स्ट्रांगली 28 नंबर शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। के अ लेटर है, एच लेटर है, इंसान है तो दुख में है तो अकेला, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड जिसे कहते हैं, जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच, लेकिन अच्छी वाली, लेकिन अपने आप को क्वेश्चन करना, ये निगेटिव तो हो रहा है लेकिन इन्हें अपना रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है कि जैसे अपने अपनी गलतियाँ भी दिख रही हैं और आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं आपकी। मतलब एक टाइम था ना कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये तो फिर ऐसे है, प्यार तो है ठीक है, बट आप में वो एंग्जाइटी इश्यूज़ है, आप सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये सारी चीज़ें ना सोच ही नहीं पा रहे, बस आपके वाले पल है जो जहाँ पे आपने स्पेशल फील करवाया था, आपके साथ बैठे हो, खुश है, बहुत सा मतलब कहीं गए हैं, कोई चीज़ लाइक ना साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या फिर आइसक्रीम खा रहे हैं, या फिर
एनीथिंग स्पेशल जो आप लोग एक दूसरे के साथ जो बिताए पल है ना, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी. ये उन यादों में, उन पलों में ज़्यादा खोए हैं. इन्हें पता नहीं है कि करना क्या है, इन्हें पता नहीं है कि होना क्या चाहिए. बस इनको मन करता है कि बस आपसे गले लगे. कुछ लोगों में लिटरली ऐसा है कि गले लगे, फूट फूट के रोए, कुछ ना सुनो, कुछ ना कहो, बस बस ऐसे ही गले लगे वाली चीज़ है. या फिर आपकी आवाज़ सुने, या बस आपसे पूछे कि बस कनेक्शन हो, बात हो, आपकी आवाज़ सुनने मिले. नेक्स्ट 2 आवर्स और या 8 आवर्स में कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन हो सकता है. चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लिटरली कुछ लोगों के केसेस में लिटरली अगर पॉसिबल है तो मिलने के, बट मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है. और या तो आपको कोई फेक कॉल आए, कोई स्पैम कॉल आए, तो चांसेस है कि ये इनका नंबर हो सक, इनकी तरफ से हो सकता है. किसी भी, हाँ, दोस्तों से या किसी से मदद लेके भी आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश है, क्योंकि इस इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा कमी है. आपसे डरे हुए हैं ऐसा नहीं कह सकते, बस आपके करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि आपको दुख नहीं देना है. सो जैसे कहा ना, 8 ऑफ वैंड्स, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं. कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ये जस्टिस है जो इस रिश्ते का, जो इस रिश्ते के लिए है, जो आपके लिए है. एक्चुअली लवर्स की एनर्जी, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एक गले लगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ये अपने आप में बहुत कुछ सह चुके हैं, ये सह रहे हैं. और मैंने कहा ना, आपकी मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम खूबसूरत एनर्जी में है, खूबसूरत एनर्जी में आपकी मेमोरीज़ है. जैसे आप साथ में कहीं गए हो, साथ में कहीं घूम रहे हो, हाथ में हाथ डाल रहे हैं, जस्ट सिंपल सी कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा ना कि वो पल बहुत ज़्यादा कीमती. शादी की इच्छा बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा है आपके लिए, ओवर इमोशनल. मैंने कहा ना कि ये इंसान जिस कदर टूटा हुआ है, यस एग्जैक्टली, अपने आप को ना छुपा ही रहे हैं. इनका बात करने का मन करता है, कम्युनिकेट करने, ये ब्लॉक अनब्लॉक गेम खेलते हैं, सब कुछ है. और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुए है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा शॉक में और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रहे हैं, डरे हुए से भी हैं. कहीं आपने भुला तो नहीं दिया, कहीं आपने भुला तो नहीं. और कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा. ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनको गाइडेंस मिल रहा है कहीं से तो गाइडेंस मिल रहा है. और ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये हीलिंग का प्रोसेस है जिससे वो गुजर रहे हैं. अगेन मैंने जिस तरह से कहा कि होता वही है जो यूनिवर्स चाहती है कि आपके लिए, उनके लिए अच्छा हो, लेकिन वो चीज़ें समझना, उसे ऑब्जॉर्व करना, उसे एक्सेप्ट करना और बदलना, हील होना, ये हमारी चॉइस होती है. मौका तो यूनिवर्स दे रहा है, कर्मा की वजह से, स्पिरिचुअल की गाइडेंस की वजह से, स्पिरिचुअली आसपास की वजह से, या इमोशनल होके, ये जो धोखे हो रहे हैं ना, सब कुछ ये इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस. लेकिन अगर वो इंसान नहीं समझ पा रहा है, उस पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो यूनिवर्स भी क्या करे, ऐसी होती है. लेकिन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ये बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हैं. कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने का एहसास ज़रूर होता है, कुछ खोने के बाद, या खो जाने के डर से ही तो इंसान बहुत ज़्यादा फील होता है ना कि आखिर वो क्या चाहता है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स.